चुनाव में किसी को मारना भी पड़े तभी मार डालो, चुनाव जीतना जरूरी है। तारानगर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुड़ानिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नरेंद्र बुड़ानिया की शिकायत चुनाव आयोग में की जानी चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र बुड़ानिया ने ऐसा कोई बयान दिया है? चलिए, क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो तारानगर के भलाऊ ताल में बुड़ानिया की सभा का है। सभा के दौरान बुड़ानिया ने जो भाषण दिया उसका कुछ ही हिस्सा वायरल किया गया। पहले आप भी सुनिए नरेंद्र बुड़ानिया ने आखिर क्या कुछ कहा। तो कहते बड़ा आदमी आ गया, मेरे बड़ा कैसे आ गया? मैं तो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। एक उदाहरण बता दो, कहां से बड़े हो गए? इस झूठ बोलना बड़ा आदमी होता है तो मैं तैयार हूं सब छोटा बनने के लिए। यदि जातियों को लड़ाने वाला व्यक्ति बड़ा होता है तो मैं छोटा बनने के लिए तैयार हूं। यदि जेल जाने वाला व्यक्ति बड़ा होता है तो मैं छोटा बनने के लिए तैयार हूं। चुनाव में किसी को मारना भी पड़े तभी मार डालो, चुनाव जीतना जरूरी है। साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने मेरी मेहनत से पसीने से सींचा है तारानगर, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम किया। मैंने इन गरीब बच्चियों के लिए काम किया। मैंने तारानगर में ऐसा स्कूल खोला है इस एससी एसटी की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जो साल की 200 बच्चियां पढ़ेंगी जिनमें कोई पैसा नहीं लगेगा, खाने पीने किताब से लेके सब फ्री। अब आदमी कोई कमजोर तबके की बच्चों को ऊंचा उठाना चाहता है वो छोटा है क्या? और है तो मुझे स्वीकार है, बहुत बड़ी बात है, सौखी बात है, सौखी बहुत ही बात। साल के 75 लाख रूपए खर्च करेगी सरकारी बच्चियों पर, ये गरीब की लड़की पर तो शानदार हॉस्टल बनाया, सारी बातें ये है। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है ये नहर काटने वाले के बीच और नहर बनाने वाले के बीच। इसे लेकर नरेंद्र बुड़ानिया ने खुद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस वायरल वीडियो का खंडन किया है। उन्होंने लिखा कि इस वीडियो के साथ गुंडा तत्व के द्वारा काट छाट कर वायरल किया जा रहा है, जो कि इनकी घृणित राजनीति और ओछे हथकंडे हैं। ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। तारानगर की जनता समझदार है, ऐसी घटिया राजनीति तारानगर में कभी स्वीकार नहीं की गई है। हैशटैग जातिवादी सोच मुर्दाबाद, हैशटैग विभाजनकारी सोच मुर्दाबाद, हैशटैग विनाशकारी तत्व मुर्दाबाद, हैशटैग अपराधी तत्व मुर्दाबाद। फिलहाल ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।